दिसंबर 70 की अव्यक्त मुरली। सामना करने के लिए कामनाओं का त्याग। आज बाप दादा ने हम बच्चों को अपनी संपूर्ण स्थिति के लिए तीव्र गति का पुरुषार्थ क्या है उसे स्पष्ट किया है। बाप दादा ने आते ही कहा, आज हरेक को अव्यक्त स्थिति का अनुभव करा रहे हैं, हरेक यथाशक्ति अनुभव कर रहे हैं। कहां तक हरेक निराकारी और अलंकारी बने हैं वह देख रहे हैं। हाँ, बाप दादा क्या देख रहे हैं, कहां तक निराकारी और अलंकारी बने हैं। अलंकारी कभी भी देहे अहंकारी नहीं बन सकेंगे, इसलिए सदैव अपने आप को देखो कि निराकारी और अलंकारी हूं। यही है मन मना भव मध्याजी भव। स्वस्थिति को मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। इस स्थिति में सर्व परिस्थितियों से पार हो जाते हो। इस स्थिति में स्वभाव अर्थात सर्व में स्व का भाव अनुभव होता है और पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। तो बाबा ने यहां हम बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति को स्पष्ट किया है कि यह आत्मा की स्व की अपनी स्थिति है और ये इतनी शक्तिशाली है कि जिसमें पुरानेपन को खत्म कर देते हैं। फिर आगे कहा, स्वभाव अर्थात स्व में आत्मा का भाव देखो। फिर यह भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाएगी। हाँ, बहुत गहरी बात है स्व में आत्मा का भाव देखना, खुद में भी और दूसरों में भी। सामना करने की सर्व शक्तियां प्राप्त हो जाएगी। जब तक कोई सूक्ष्म व स्थूल कामना है तब तक सामना करने की शक्ति नहीं आ सकती। कामना सामना करने नहीं देती, इसलिए ब्राह्मणों का अंतिम संपूर्ण स्वरूप क्यों गाया जाता है मालूम है? ब्राह्मणों का अंतिम संपूर्ण स्वरूप इच्छा मात्रम अविद्या है। अब अपने आप से पूछो,
इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी स्थिति हम ब्राह्मणों की बनी है। हाँ, कौन सी स्थिति बाबा पूछ रहे हैं? इच्छा मात्रम अविद्या। जब ऐसी स्थिति बनेगी तब जय जयकार और हाहाकार भी होगी। यह आप सभी का अंतिम स्वरूप। अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है सदैव अपने संपूर्ण और भविष्य स्वरूप ऐसे दिखाई दे जैसे शरीर छोड़ने वाले को बुद्धि में स्पष्ट रहता है कि अभी अभी यह शरीर छोड़ नया शरीर धारण करना है। ऐसे सदैव बुद्धि में यही रहे कि अभी अभी इस स्वरूप को धारण करना है। जैसे स्थूल चोला बहुत जल्दी धारण कर लेते हो ना, वैसे यह संपूर्ण स्वरूप धारण करो। हाँ, देखो बाबा कितने मिसाल देके हमें बताते हैं कि बच्चे अपने संपूर्ण स्वरूप को ऐसे सामने रखो जिसमें इच्छा मात्रम अविद्या है, और उसको सामने देखते देखते इतना स्पष्ट अनुभव हो कि अभी ये छोड़ करके वो धारण करना है। फिर बाबा ने कहा, जैसे स्थूल चोला बहुत जल्दी धारण करते हो ना, वैसे करना है। बहुत सुंदर और श्रेष्ठ वस्त्र सामने देखते फिर पुराने वस्त्र को छोड़ व नया धारण करना क्या मुश्किल होता है। हा? बाबा ने तीसरा मिसाल दिया। ऐसे ही जब अपने श्रेष्ठ संपूर्ण स्वरूप व स्थिति को जानते हो सामने है, तो फिर वह संपूर्ण श्रेष्ठ स्वरूप धारण करने में देरी क्यों? प्रश्न पूछा बाबा ने। जब पता है इतना श्रेष्ठ स्वरूप है, श्रेष्ठ स्थिति है, फिर उसे धारण करने में देरी क्यों? कोई भी अहंकार है तो वह अलंकारहीन बना देता है। इसलिए निरअहंकारी और निराकारी फिर अलंकारी। इस स्थिति में स्थित होना वही विश्व कल्याणकारी बनना है, वही विश्व के राज्य अधिकारी बन सकते हैं। जब सर्व का कल्याण करते हो तो सर्व का करते करते स्व का तो हो ही जाता है ना। तो सदैव अपने को विजयी रत्न समझकर हर संकल्प और कर्म करो। हाँ, बहुत पावरफुल युक्ति है, अंडरलाइन करेंगे। अपने को विजयी रत्न समझकर हर संकल्प और कर्म करो। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते। हार खाने वाले को न सिर्फ हार लेकिन धर्मराज की मार भी खानी पड़ती है। क्या हार और मार मंजूर है? जब हार खाते हो तो हार के पहले मार सामने देखो। ये भी बाबा युक्ति बताते हैं। हाँ, कि बच्चे मार को सामने देखो तो हार नहीं खाएंगे। क्या हार और मार मंजूर है? मार से भूत भी भागते हैं, तो मार को सामने रखने से भूत भाग जाएंगे। जैसे दुनिया में दिखाते ना, भूत आता है तो उसको मारते हैं, मार मार के भूत को भगाते। तो यहाँ भी बाबा कहते मार को सामने रखेंगे तो भूत भाग जाएंगे। अब तक हार खाना किन्हों का काम है? मास्टर सर्वशक्तिमानों का नहीं है। इसलिए वही पुरानी बातें पुरानी चाल अब मास्टर सर्वशक्तिमानों की सूरत पर शोभता नहीं है। इसलिए अपने संपूर्ण स्वरूप को अभी अभी धारण करने की अपने से प्रतिज्ञा करो। प्रयत्न नहीं, प्रयत्न और प्रतिज्ञा में बहुत फर्क है। प्रतिज्ञा एक सेकंड में की जाती है और प्रयत्न में तो समय लगता है।
अब प्रयत्न का समय गया, अब तो प्रतिज्ञा और संपूर्ण रूप की प्रत्यक्षता करनी है। बाबा पक्का कराते हैं प्रतिज्ञा और संपूर्ण स्वरूप की प्रत्यक्षता। तो हम सभी भी आज ये प्रतिज्ञा करेंगे एक सेकंड में कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और आज से मैं हर कर्म विजयी रत्न समझ कर करूँ और सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने रख कर पुरुषार्थ करेंगे। ये प्रतिज्ञा करने के लिए आज बाबा ने कहा, ऐसे अपने को साक्षात्कार मूर्त समझने से कभी भी हार नहीं खाएंगे। अभी प्रतिज्ञा का समय नहीं है, अभी प्रतिज्ञा का समय है, प्रयत्न का समय नहीं है। अगर बार बार हार खाते रहेंगे तो उसका भविष्य क्या होगा? ऊंचे ते ऊंचे पद तो पा नहीं सकते है ना। बार बार हार खाने वाले को देवताओं के हार बनाने वाले बनना पड़ेगा। हाँ, कितनी बाबा ने देखो बात हमको पक्की कराई कि जो बार बार हार खाएंगे ना तो देवताओं के हार बनाने वाले बनेंगे। जितना ही बार बार हार खाते रहेंगे उतना ही बार बार हार बनाने पड़ेंगे। रत्न जड़ित हार बनते हैं ना। और फिर द्वापर से भी जब भक्त बनेंगे तो अनेक मूर्तियों को बार बार हार पहनाना पड़ेगा। इसलिए हार नहीं खाना। यहाँ कोई हार खाने वाला तो नहीं है ना। अगर हार नहीं खाते तो बलिहार जाते। अभी बलिहार व बलि चढ़ने की तैयारी करने वाले हो ना। समाप्ति में बलि चढ़ना है ना, वह चढ़ चुके हो। जो बलिहार हो गए हैं उन्हों का पेपर लेंगे। इतने सभी की आज से कोई कंप्लेन नहीं आएगी। जब हार नहीं खाएंगे तो कंप्लेन फिर काहे की? आप लोगों का पेपर वतन में तैयार हो रहा है। हाँ, तो यहाँ बाबा ने देखो बच्चों को अटेंशन दिया। बलिहार जाने वालों के लिए भी तो पेपर है ना, तभी तो संपूर्ण बनेंगे। तो बाबा ने कहा, बच्चे अभी हार नहीं खाना है। आज बार बार पक्का कराया। आगे भी कहा कि हार किसको मिलती है? जिसको कोई ना कोई कामना है, तभी माया का सामना करना पड़ता है। तो आज से हम ये पक्का करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिमान स्व में आत्मा के भाव को अनुभव करे, दूसरों को भी उस स्थिति में देखे और अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने रखे। बाप समान, निरअहंकारी, निराकारी और प्रतिज्ञा करे कि अभी कोई पुरानी बातें, पुराना भाव, स्वभाव, चाल चलन को आने नहीं देंगे। मार को याद करेंगे। आज बाबा ने कहा ना, धर्मराज की मार याद करेंगे ना तो प्रतिज्ञा टूटेगी नहीं। तो ऐसी स्थिति बाबा हमारी चाहते हैं कि बच्चे पूरा बलिहार जाना है, कोई इच्छा न रहे, तभी तो जय जयकार और हाहाकार होगी ना। तो चले अपने संपूर्ण स्वरूप को फिर से इमर्ज करें, स्वयं को देखें। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा स्वयं को अपनी शक्ति स्वरूप स्थिति में अनुभव करती हूँ। मेरी संपूर्ण स्वरूप की स्थिति मेरे सामने है। संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, साक्षात्कार मूर्त, और ये बाप समान स्थिति है जिसमें कोई कामना नहीं है। आज बाबा ने कहा, बच्चे बार बार अपने इस संपूर्ण स्थिति रूपी
वस्त्र को सामने इमर्श करो। बस ये मेरा संपूर्ण स्वरूप और साथ में भविष्य स्वरूप सामने खड़े हैं। स्पष्ट देखे, अभ्यास करे। अभी अभी ये पुराना देह छोड़ ये वस्त्र धारण करने हैं। ये बार बार का अभ्यास मुझे बाप समान बना देगा। इसी अभ्यास से मेरे पुराने भाव स्वभाव संस्कार समाप्त हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस करते रहे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में हम बच्चों को आत्मिक स्थिति को, आत्मिक दृष्टि को पक्का कराया। बार बार बाबा ने हमें आत्मा के रूप में देखते हुए आत्मा देखने का पाठ पक्का कराया, तो हम भी स्वयं को स्वयं की अनादि स्थिति में स्थित कर दे। मैं चमकती आत्मा, बाबा ने आज कहा, बच्चे ये वंडरफुल पाठशाला है जिसमें पढ़ने वाली आत्मा देखने में नहीं आती और पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता। तो आत्मा समझ के पढ़ना है। आत्मा ही शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाती है। आज बाबा के आत्मा के पार्ट को पक्के करने वाले महावाक्य फिर से रिवाइज करें। आत्मा ही सुंदर बनती है, आत्मा ही धारण करती है। तो आत्मा ही पढ़ती है। तो बाबा ने कहा, ये पक्का पक्का समझो, हम आत्मा है। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा इस शरीर के ऑर्गन से पढ़ती है। हम आत्मा इनसे अलग है। इन कर्मेंद्रियों से हम कर्म करते हैं। मैं न्यारी आत्मा हूँ, निराकारी संतान हूँ। तो आज कितनी बार बाबा ने आत्मा को रियलाइज कराया, बच्चे ये निराकारी एक ही बाप टीचर गुरु है। अंत में सब आत्माएं चली जाएगी, आत्माएं ही पाठ बजाने आती है। तो ये बाबा के महावाक्यों से आज बार बार अपनी आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करें। ये मेरी अनादि स्थिति है। ये पक्का करने से, याद करने से आत्मा के वो अनादि स्वरूप को देख सकेंगे, बुद्धि से महसूस कर सकेंगे।
फिर बाबा ने दूसरा पाठ पक्का कराया, बच्चे तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो और ब्राह्मण रूप में प्रजा पिता ब्रह्मा की संतान बहन भाई हो, तो कभी भी बुरी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। तो अपने ब्राह्मण स्वरूप में स्वयं को देखें, मैं ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्मा, बाबा की शिक्षाएं आज मेरे बच्चे, पवित्रता को अपनाना है, संग दोष से संभाल करनी है, आंखों से कभी भी धोखा न मिले इसलिए संभालना है, जरा भी देह पर नजर न जाए, कर्मेंद्रियों को वश में रखना है, अब अपने देवता स्वरूप को सामने लाए, पवित्र देवी देवता, बाबा ने आज कहा तुम सच्ची सच्ची कथा सुनकर भगवान भगवती पवित्र बनते हो, स्वर्ग की पटरानी बनते हो, तो कितना नशा होना चाहिए, ऐसा ऊंच पद पाने के लिए स्वयं पर कितना अटेंशन रखना चाहिए। तो अपने देव स्वरूप को बार बार सामने लाए, यही मेरी पवित्र स्थिति है, बाप हमें देवता बनाने आए हैं, ऐसी सतो प्रधान दुनिया में बस अब गए कि गए, अब अपने पूज्य स्वरूप को देखें। आज बाबा ने वरदान में कहा, बच्चे बाप समान वरदानी महादानी हवा, बाबा के साथ कंबाइन होकर भाग्य विधाता बन, सभी को भाग्य रूपी अमृत बांटना है, सकाश दे। खास बाबा ने कहा अमृत वेले वरदान लेना भी है और महादानी बनकर देना भी है, तो लाइट और माइट की किरणें भक्तों को देते रहे। संकल्प से वरदान दे, अब अपने फरिश्ते स्वरूप में आ जाए, प्रकाशमय काया पवित्र फरिश्ता, सूक्ष्म वतन में चले जाए। आज बाबा ने कहा अमृत वेले विशेष बाप दादा से लाइट और माइट ले, तो अभी बाप दादा से वरदान ले, ये
ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें मुझ फरिश्ते में समाती जा रही है। और मेरे से निकलकर सारे संसार के ग्लोब में ये किरणें फैल रही है। ये मनसा सकाश से अब बाप दादा के सामने मैं फरिश्ता बाबा से वरदान लेकर बाप दादा के साथ नीचे आ रहा हूँ। पहुंच गया अपने इस देह में, प्रवेश कर लिया। बाप दादा की छत्र छाया के नीचे अपने पांचों ही स्वरूप की अनुभूति करके बाबा की आज की मुरली की शिक्षाओं को पक्का करते रहे। बाबा ने कहा मंजिल ऊंची है, इसलिए याद से सेंसिबल बनना है, याद की मेहनत करनी है, टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना है, आत्मा का पाठ पक्का कर आत्मिक दृष्टि से देखना है, कर्मेंद्रियों को वश में करना है, बस अब तो वापिस घर चलना है। वरदानी महादानी बन, जो क्रोध करता है उसे भी स्नेह देना है।